दोस्तों Redmi Note 7 Pro के जबरदस्त सेल के बाद इंडिया में अब Redmi अपना नया अपकमिंग स्मार्टफोन इसी का सक्सेसर लेकर जल्द ही आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने गेस कर लिया हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ, वो होने वाला है Redmi Note 8 Pro। तो क्या है इसी फोन का स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग, लॉन्च डेट और इंडिया में इस स्मार्टफोन को कब तक लाया जाएगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। सो माई नेम इज राहुल एंड यूर वॉचिंग हम टेक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करें डिस्प्ले की, तो 6.5 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिसका रेजोल्यूशन 1080x1920 पिक्सल्स होगा, जो कि एक फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है। साथ में गोरिल्ला ग्लास के प्रोटेक्शन के साथ इसका जो डिस्प्ले का लुक है वो काफी इंप्रेसिव होने वाला है, और लिक्विड कूलिंग के कारण जो डिस्प्ले की कैपेसिटिव टच स्क्रीन है वो काफी दमदार होने वाली है। तो इसका डिस्प्ले के मामले में ये फोन तो आपको बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला है। बात करें डिजाइन की, तो एक पॉपअप सेल्फी इसमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसका डिजाइन Redmi K20 Pro से काफी मिलता जुलता रहेगा। साथ में Gorilla Glass 6 का भी प्रोटेक्शन फ्रंट और बैक दोनों ही तरफ दिया जाएगा। तो देखते हैं इसका जो डिजाइन है वो अपने MI लवर्स को कितना पसंद आता है, बट मेरे अकॉर्डिंग Redmi अपने डिजाइन के मामले में तो काफी बेस्ट ही देती है। बात करें रियर कैमरा की, तो ट्रिपल रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलेगा जिसका प्राइमरी लेंस का रेजोल्यूशन 48 MP है, जो कि F1.2 एपर्चर के साथ आएगा। सेकेंडरी कैमरा का रेजोल्यूशन 16 MP है, जो कि F1.5 एपर्चर के साथ आएगा, और जो थर्ड कैमरा है उसका रेजोल्यूशन 5 MP है, जो कि एक डेप्थ सेंसिंग और वाइड एंगल के लिए यूज किया जाएगा, जिसका एपर्चर 1.9 होने वाला है। बट इन तीनों का रेजोल्यूशन मेनली Redmi K20 Pro से काफी मैच करने वाला है। तो देखते हैं इसका रियर कैमरा का एक्सपीरियंस MI लवर्स के लिए कितना बेहतरीन हो पाता है। बात करें फ्रंट कैमरा की, तो 25 MP का सेल्फी शूटर में भी देखने को मिल सकता है इस स्मार्टफोन में, जो कि F1.9 एपर्चर के साथ एक वाइड एंगल जूम के फोकस को लेकर आएगी। साथ में जो नाइट मोड है वो भी इस फोन में काफी बेहतरीन दिया जाएगा, जो कि Redmi Note 7 Pro में उतना अच्छा नहीं था। तो देखते हैं इसका सेल्फी शूटर क्या Redmi Note 7 से बेहतरीन हो पाता है या नहीं। बात करें अगर इसके प्रोसेसर की, तो 730G का एक अच्छा सा प्रोसेसर जो कि नया ही लॉन्च हुआ 700 सीरीज में इस स्मार्टफोन में दिया जाएगा, जिससे इसकी बैटरी की कैपेसिटी काफी इंक्रीज हो जाएगी, और दूसरा बात जो इसका परफॉर्मेंस है वो काफी धासू और धमाकेदार मिलने वाला है आपको। तो देखते हैं क्या Redmi Note 8 Pro इंडियन लवर्स को इम्प्रेस कर पाती है अपने परफॉर्मेंस से या नहीं। बात करें इसके प्राइसिंग और लॉन्च डेट की, तो इंडिया में इसका प्राइस अप्रॉक्स 13,000 से 14,000 या 15,000 तक जा सकता है मैक्सिमम, मिड वेरिएंट का, जो कि 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ आएगा इंडिया में, और जो हाईएस्ट लेवल है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज, उसका प्राइस 18,000 से 20,000 के लगभग आपने को देखने को मिल जाएगा। और इंडिया में ये स्मार्टफोन करीबन नेक्स्ट ईयर आपको जनवरी टू फरवरी के मंथ में एब्सोल्युटली देखने को मिल जाएगी। बात करें कुछ अदर फीचर्स की, तो टाइप सी पोर्ट, 3.5mm जैक, एज वेल एज आयर ब्रास्टर और लिक्विड कूलिंग की फैसिलिटीज इस स्मार्टफोन में प्रोवाइड की जाएगी, जो कि Redmi की तरफ से काफी अच्छा इनिशिएटिव है। तो देखते हैं ये स्मार्टफोन अपने यूजर्स को कितना अच्छा एक्सपीरियंस दे पाती है Redmi Note 7 की तरह या उससे ज्यादा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।